हेलो फ्रेंड्स, तो रागों की इस श्रृंखला में एक नए वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जिस राग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही फेमस राग, राग भैरव। तो बहुत से फिल्मी सॉन्ग जो हैं, मतलब पुराने ज़माने के ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, तो पुराने बहुत से फिल्मी सॉन्ग्स जो हैं इस राग में कंपोज किए गए हैं और इस राग की बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं। जैसे राग भैरव है तो इसकी वेरिएशंस में राग अहीर भैरव, राग नट भैरव और कई सारे भैरव जो हैं जिनमें एक या दो स्वर की वेरिएशन है और उससे वो जो राग है एक नया राग उत्पन्न हो जाता है। तो राग भैरव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राग, और कुछ एक बातें करूंगा कि ये जो राग है जब हम हारमोनिका के ऊपर इसको प्ले करेंगे तो कुछ एक दो इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जो हैं तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले थोड़ी सी इस राग के बारे में जान पहचान। तो ये जो राग है इसमें रे और धा, ये दो स्वर जो हैं ये कोमल होते हैं। तो कुल मिलाकर जो 7 स्वर हैं उनमें से 2 स्वर रे और धा वो कोमल हो गए। और इस राग की जाति जो है वो संपूर्ण है, मतलब आरोह और अवरोह दोनों में 7-7 स्वर जो हैं वो लगेंगे। और उसके अलावा इसके गाने का जो समय है वो है सुबह का पहला पहर। तो ये कुछ साधारण जान पहचान थी इस राग की, राग भैरव की। अब अगर टेक्निकली थोड़ा सा इस राग को बारीकी से देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि रे और धा ये दो स्वर जो हैं ये कोमल हैं। अब इन दो स्वरों के कोमल होने से क्या होता है, आप देखिए, तो सा के बाद रे जो है वो कोमल है और कोमल रे के बाद जो गा स्वर है तो कोमल रे और गा में 3 सेमी टोन्स का फर्क है। और यही सेम चीज़ जो है आप ऑब्जर्व करेंगे धा और नी के बीच में। तो जैसे धा और नी है इनमें नॉर्मली 2 सेमी टोन्स का फर्क होता है, बट धा क्योंकि अभी इस राग में ये कोमल हो गया तो कोमल धा और नी इन दो स्वरों में एक बार फिर से 3 सेमी टोन्स का फर्क पड़ गया। तो अब आप कहेंगे कि इस चीज़ का मतलब टेक्निकली हमें क्यों एनालिसिस करना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, खैर, बट अगर आप हारमोनियम या कीबोर्ड की स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो जितनी भी वाइट कीज़ हैं उनका आपस में जो डिफरेंस है वो या तो 2 सेमीटोन्स का है या 1 सेमीटोन का। तो जैसे सा और रे का 2 सेमीटोन का, रे और गा का 2 सेमीटोन का, गा और मा का फिर से 1 सेमीटोन का, और उसी प्रकार से नी और सा का 1 सेमीटोन का। तो सभी नोट्स का 2 या 1 सेमीटोन का डिफरेंस है। तो जब किसी भी जगह पे 3 सेमीटोन का डिफरेंस आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर जगह को या उस पर्टिकुलर राग को हम सभी सफ़ेद नोट्स से या वाइट कीज से नहीं बजा सकते। तो इसका मतलब क्या है कि राग भैरव अगर आप बजाएंगे तो ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां से स्टार्ट करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ वाइट कीज से इस राग को बजा सकें। तो जैसे भैरवी राग था, काफ़ी थाट के अंतर्गत जो राग थे, तो मैंने 3-4 ऐसे थाट पहले डिस्कस किए हैं कि उनको, जैसे कल्याण था उसको आप सिंपली जो मा नोट है सी डी ई एफ, एफ नोट से अगर स्टार्ट कर लें तो एफ नोट से अगर स्टार्ट करेंगे तो कहीं पे भी आपको ब्लैक की नहीं दबानी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से मैंने कुछ एक रागों का, थाटों का एनालिसिस किया था कि बाय सिंपली चूजिंग ए पर्टिकुलर नोट, अगर आप उस नोट को सा मानते हुए बाकी की वाइट कीज़ को आप प्ले करते जाते हैं तो वो राग आप प्ले कर सकते हैं बिना ब्लैक नोट को दबाए हुए। तो हारमोनिका के ऊपर अगर इसी चीज़ को अप्लाई करें तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर नोट को अगर सा मान लें
तो वहां से अगर आप उस राग को बजाएंगे तो आपको कहीं पे भी स्लाइडर नहीं प्रेस करना पड़ेगा। बट अभी क्योंकि भैरव राग में, अभी इसके बाद एक दो और आपको रोचक तथ्य बताऊंगा, तो भैरव राग जो है, क्योंकि दो जगह इसमें ऐसी आ गई हैं, एक तो रे कोमल और गा, और दूसरा धा कोमल और नी, तो ये दो जगह ऐसी हैं जहां पे तीन सेमीटोन्स का फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों जगह पे हमें स्लाइडर जो है वो प्रेस करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस राग को हम बिना स्लाइडर प्रेस किए हुए नहीं बजा सकते, ये पहली बात है। अब दूसरी एक और थोड़ा सा रोचक तथ्य है, अगर हारमोनिका के ऊपर इसको प्ले करते हैं तो एक बार इस राग की जो आरोह है, सी नोट को सा मानते हुए, मैं आरोह जो है वो आपको बजा के दिखाता हूं। तो आपने देखा कि मैंने चार बार स्लाइडर जो है उसको प्रेस किया, सा के बाद रे, फिर गा के बाद मा, फिर पा के बाद धा, नी के बाद सी, तो चारों जगह पे, चार जगह पे मैंने स्लाइडर प्रेस किया। अब नी के बाद अगर मैं स्लाइडर प्रेस ना करूं तो नी के बाद जो सा आएगा वो एक ब्लो नोट होगा। तो अभी इस राग में अगर आप इसको हारमोनिका के ऊपर बजाते हैं तो उसमें एक खास बात ये है कि इसमें नी को छोड़ के बाकी सभी नोट्स जो हैं वो ब्लो नोट ही बजेंगे अगर आप स्लाइडर का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो भी आप देखिए, सा के बाद रे क्योंकि कोमल है तो ब्लो नोट होगा स्लाइडर प्रेस, गा मा, गा ब्लो नोट है और मा को भी मैंने ब्लो नोट बना दिया स्लाइडर प्रेस करके। पा धा, तो पा ब्लू नोट है, धा कोमल फिर से ब्लू नोट क्योंकि मैंने स्लाइडर प्रेस कर दिया। तो नी जो है वो ड्रॉ नोट है और उसके बाद फिर से सा जो है वो ब्लू नोट। तो इसका मतलब क्या है, सा रे गा मा पा धा, ये छह स्वर आउट ऑफ सेवन आप ब्लो नोट के तरीके से बजा सकते हैं, नी सिर्फ जो है वो एक ड्रॉ नोट आएगा अगर आप हारमोनिका के ऊपर सी नोट से इसको सा मानते हुए स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप जो मा है उसको भी आप स्लाइडर के साथ प्ले कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट आपको यही होगा कि बहुत अच्छा आपको एक फ्लो मिल जाएगा, क्योंकि आपको कहीं भी जो आपकी ब्रीदिंग है, सांस जो है उसको आपको रिवर्सल नहीं करना पड़ रहा। तो एक एग्जांपल के तौर पे एक इस राग का बहुत ही मशहूर सॉन्ग है, मोहे भूल गए सावरिया, तो वो थोड़ा सा आपको बजा के दिखाता हूँ, हालांकि मेरी उसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। तो आप देखिए कि मतलब जो फ्लो है एकदम से वो बहुत अच्छे से इस राग को अगर आप बजाएंगे, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एक अरेबिक ट्यून बजाई थी, तो देखिए आप कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने सिर्फ ब्लो करना है और स्लाइडर को कंट्रोल करना है, तो ये दो चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है, और बहुत ही अच्छे फ्लो के साथ आप इस सॉन्ग को, मतलब इस राग को बजा सकते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सी नोट से ही बजाएं, एक और सॉन्ग मेरे माइंड में आ रहा है, तो वो खैर पूरा का पूरा सॉन्ग जो है सिर्फ और सिर्फ राग भैरव पे आधारित नहीं है,
इसमें ये एक मिश्रित से मतलब राग हैं, ये सॉन्ग था, भजन था बेसिकली, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो ये मैंने खुद भी बजाया भी हुआ है, तो इसको मैंने ई नोट से स्टार्ट किया था, ई नोट से। तो इस प्रकार से ये भी मतलब भैरव पे आधारित है, हालांकि इसको हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये भैरव राग का ही भजन है, बट ये जो है इसमें बाकी के कुछ और एक्स्ट्रा स्वर भी लगते हैं। तो इस सॉन्ग को हम ई नोट से अगर बजा लें, मतलब सारे गा गा को अगर सा मान लें इस हारमोनिका के ऊपर, तो वहां से थोड़ा ये बजाने में सिंपल रहेगा, बट जो प्योर भैरव के सॉन्ग्स हैं तो उनमें जो हरकतें हैं, हल्की हल्की मुर्कियां हैं, तो वो स्लाइडर के साथ बहुत अच्छी आ सकती हैं। अगर आप सी को सा मानते हुए और मा नोट को आप ब्लो नोट बना दें स्लाइडर से, तो वो फील जो है एक्चुअल में इस राग का हारमोनिका के ऊपर, वो आप फील बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक बातें थी राग भैरव के बारे में। तो कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें, ख़ास तौर पे जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं उनको हारमोनिका के साथ रिलेट करके तो आप सभी के समक्ष, आप सभी के सामने पेश कर सकूँ। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी ही एक और नए राग के साथ, नए थाट के साथ, कुछ और रोचक तथ्य, रोचक जानकारी लेके फिर से आप सभी के रूबरू होऊंगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय फॉर।